खुश आमदेद जनाब। रोजा कुशाई का ये सेगमेंट है। ये झूला बहुत शोर नहीं कर रहा है आपका? झूला बहुत शोर कर रहा है ना, झूला रोक दिया जाए। बच्चे यहाँ पर झूले खा रहे हैं और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। इफ्तार का वक्त करीब है, इसलिए सबको एक्साइटमेंट भी है। इसीलिए हम रोजाना बच्चों से पूछते हैं कि कितने रोजे हो गए। माशाल्लाह एक एक रोजा वो बड़ा गिन के और बड़े अच्छे तरीके से इख्तियार करते हैं। कितने रोजे हो गए आज? जो कि मुझे याद ही नहीं रहा। सबसे पहले डिस्कशन शुरू किस चीज से करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं बात शुरू करने से पहले? सलाम करते हैं। वो तो मैंने किया ही नहीं आज। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? मैं कैसा हूं? मैं किस चीज को ठीक नहीं लग रहा? कोई ऐसा इसको मैं ठीक नहीं लग रहा? सबको ठीक लग रहा हूं? चलो वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। ठीक लग रहा हूं ना, चलेगा ना, कोई मसला तो नहीं है? ठीक है भाई। भाई आज हमारे साथ ये जो बच्चे हैं, इनके साथ मैं ब्रेक में भी गपशप कर रहा था, आप लोग सब देख रहे होंगे, तो बड़े टैलेंटेड बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। इनमें से सबसे पहले हम इससे बात करते हैं। ये तंग आ गई अपने ड्रेस से, है ना? ये ड्रेस संभालने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना। आपकी फ्रेंड आपका ड्रेस ठीक कर रही थी, मैं देख रहा था। क्या नाम है आपका? इशराक। इशराक, क्या सुनाएंगे आप हमें? जो भी सुना दूंगी। जो भी सुना देंगी? जो भी सुना देंगी? जो भी सुना देंगी से मतलब कोई नात या कोई सूरा? सूरत। जो भी सुना दूंगी क्या मतलब? आपको कितनी सूरे याद हैं? सारी आते हैं। सारी आती हैं? आप हाफिज हैं जी? कितने पारे हिफ्ज किए आपने? नौ पारे। नौ पारे हिफ्ज किए हैं आपने, माशाल्लाह। सूरह रहमान सुनाएंगे? वो सुन ले सूरह रहमान इनसे। आ जाए खड़ी होकर। ये मतलब हाँ, कहाँ तक सुनाएंगे? पूरी तो नहीं सुन सकते जाहिर है, तो कहाँ तक सुनाएंगे? थोड़ी सी सुना दे, ठीक है? थोड़ी सी सूरह रहमान सुना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله ما شاء الله. سب مل کر دعا کہہ دیجئے سبحان اللہ. آپ کو پوری یاد ہے سورہ رحمان؟ زبردست بھائی. اور ہی بہت ساری سورہ یاد ہیں آپ. नौ पारे हिफ्स किए आपने, माशाल्लाह। इनकी हौसला अफजाई के लिए बहुत सारी तालियां बजा दीजिए। जबरदस्त माशाल्लाह। आप वैसे बड़ी बातें करती हैं, कुछ सुनाएंगी बनाएंगी नहीं मुझे? सुनाऊंगी। क्या सुनाएंगी? या मैं बता, एक जुमला होता है उर्दू का, खरी खरी सुनाना। इसका मतलब पता है किसी को? एक बच्ची से मैंने पूछा क्या सुनाऊंगी, कहने लगी खरी खरी सुनाऊंगी आपको। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मैं बस देख लूंगी आपको। तो कोई खरी खरी तो नहीं सुनाएगा ना कोई मुझे? सब अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे ना। क्या सुनाएंगे आप बताएं? मैं अल्लाह के 99 नेम से थोड़े से नाम सुनाऊंगी। अरे वाह अल्लाह। अच्छा अल्लाह के नामों को कहते क्या है ये पता है किसी को? जो अल्लाह ताला के नाम है एक लफ्ज है उसके लिए। इसका मतलब होता है कि ये अल्लाह के नाम है। क्या कहते हैं? अल्लाह। ये देखें भाई, अल्लाह ताला के नामों को कहते हैं अस्माउल हुस्ना। क्या कहते हैं? अस्माउल हुस्ना। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन याद कर लें। आज हमने दो बातें सीखी हैं। एक ये कि जब बारिश नहीं हो रही होती ना तो जो नमाज पढ़ते हैं, वो मैंने वहां वाले बच्चों को बताया था, उस नमाज को कहते हैं नमाज इस्तस्का। इस्तस्का, ठीक है? और अल्लाह के नामों को क्या कहते हैं? अस्माउल हुस्ना। अस्माउल, वेरी गुड। सब मिलकर एक दफा जोर से बता दें, अस्माउल, वेरी गुड। अब आप हमें कुछ अस्माउल हुस्ना सुनाए, चले। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यान हुवल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्लाहुल रहमानिर रहीम अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन العزيز الجبار
المتكبر الخالق كل باري كل مدثر كل غفار. वाह वाह जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, बड़े टैलेंटेड लोग बैठे हैं आज तो हमारे साथ। अच्छा भाई, 11 रोजे हो गए हैं और तकरीबन 19 रोजे बाकी हैं। ये होता है रमजान, बहुत आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो लगता है रमजान बहुत तेजी से गुजर जाता है, आप लोगों को भी ऐसा लगता है या बहुत स्लो स्लो गुजर रहा होता है? कैसे गुजरता है रमजान, आप बताओ भाई, रोजे रख रही हो तुम, बताओ कि रमजान कैसे गुजर रहा है? इफ्तार के टाइम पे घड़ी देखनी पड़ती है बार बार, कितना टाइम बाकी है भाई, कितना टाइम बाकी है जी, है ना, तब बड़ी प्यास लग रही होती है ना? जी हाँ। अच्छा, रमजान के महीने में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हुई थी इस्लामी हवाले से, और ये वो आपको पता है, पाकिस्तान जो है, हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान, वो किस डेट को मना था ये बताएं मुझे, कौन सी डेट को मना था पाकिस्तान? 1947। ये तो हो गया ईयर, बिल्कुल सही, तालियां बजाए हुए इनके लिए। और डेट क्या थी उस दिन जब पाकिस्तान बना था, डेट क्या थी? 14 अगस्त डेट थी, बिल्कुल सही। और इस्लामी जो महीना था, इस्लामी तारीखें भी होती है ना, एक होता है इंग्लिश कैलेंडर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, एक होता है इस्लामिक कैलेंडर मुहर्रम सफर, वो कौन सी थी, इस्लामी तारीख कौन सी थी जब पाकिस्तान बना था ये बताया ना मुझे कोई। असल सवाल तो ये है भाई कि इस्लामी तारीख कौन सी थी जब पाकिस्तान बना था? 27 रमजान को बना था पाकिस्तान, बताया आपको, समझे भाई? जब पाकिस्तान बना था उस दिन क्या तारीख थी? 27 रमजान थी उस दिन, 27th of रमजान। और 27 रमजान वैसे भी बहुत बड़ी रात है, जो आखिरी अशरा होता है रमजान का, उसकी जो रातें होती हैं उसमें हम ज्यादा इबादतें करते हैं, और उसमें 27वीं रात में सबसे ज्यादा इबादत कर रहे होते हैं, और 27वीं को ही अल्लाह ताला ने पाकिस्तान बनाया था, ठीक है भाई। अच्छा भाई, मुझे जो है ना कुरान अंदाजी के लिए जाना है, एक गिफ्ट हैम्पर निकालना है अपनी ऑडियंस के लिए, इन सब की होगी कुरान अंदाजी, जिसका पर्चा निकल आएगा ना उसको मिलेगी करशी की बाइक ऑडियंस में से, समझ आई? तो पहले आप लोगों के मैं गिफ्ट हैम्पर्स अनाउंस कर देता हूं, आप लोगों के लिए है अलमीरा दिल पसंद, इसके अलावा जे डॉट गोरमे मीजान इफको करशी और सूफी ऑयल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, इसके अलावा बमजीस पिज्जा पॉइंट दिल पसंद और ऑडियोनिक किट्स के टैब्स हैं आप सब लोगों के लिए। जरा बहुत सारी तालियां तो बजा दें हमारे स्पॉन्सर्स के लिए। जी जी ठीक है, जी जी ले लीजिए ले लीजिए, ठीक है चले, मैं आप कॉल पे ले लें, उस वक्त मुझे बताइएगा कौन मेरे साथ आएगा कुरान अंदाजी करने के लिए, आप आएंगी? कौन आएगा? आ जाओ भाई, तुम आ जाओ, कुरान अंदाजी करते हैं। और मैंने एक अंकल से साथ में फोन पे बात भी करनी है, इस सेगमेंट से पहले हमारे साथ मौजूद थी एक फैमिली जिनके 9 बच्चे थे और उनकी घर की हालत क्या थी वो सब आप लोगों ने देखी। हमारे पास एक बड़ी अच्छी खबर है, तारिक साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। हुजूर मिजाज बखैर है, खैरियत से आप? आपकी दुआ, आपकी दुआ सर। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसकी जितनी तारीफ कीजिए कम है, बहुत नवाजिश। तारिक भाई बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और तारिक भाई, वो बड़ी एक परेशान हाल फैमिली थी, 9 बच्चे और बहुत छोटा सा घर, कोई अच्छी खबर सुना दे हमें, इफ्तार का वक्त करीब है। पहले अच्छी खबर ये है, मैं चाहता हूँ कि इकरार भाई उनके घर गए थे। जी जी इकरार भाई सुन भी रहे हैं। अगर ये जी अगर ये घर परचेज करके उनको दे दे, मैं वो पेमेंट मैं करूंगा जितनी पेमेंट है। अरे वाह 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 वाह, मैं वो पूरा घर जबरदस्त माशाल्लाह। सलामत सलामत रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह आपकी तौफीकात में। दुआओं की दरकार से इन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी दूर जाकर उस घर में इन्होंने विजिट किया है, मुझे बड़ी खुशी है, अल्लाह इनको भी इसका अजर देगा। आमीन आमीन आमीन। और मैं ये उम्मीद रखूंगा कि इसमें मेरी मदद करें, मुझे कॉल कर, मैं इनके मिल लूंगा, मेरे रास्ते हैं आप लोगों से, ताकि उस घर में जाके जो पेमेंट है उस मेरी बहन को बोले, वो घर आपका हुआ मालिक से, वहां से नहीं होगा, मैं इनको अपने प्रोजेक्ट में घर लेके दूंगा। माशाल्लाह इनका घर पक्का है। चलिए अल्लाह अल्लाह आपको खुशियां दे, सलामतियां दे,
बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। और आपका एक अच्छा वाला घर जो है वो जन्नत में, उसके लिए दुआ है। यकीनन बड़ी नवाजिश बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी अब जरा कुर्रांदाजी कर ली जाए माशाल्लाह। दिल पसंद की बाइक है, 9 बच्चों की तालीम का बंदोबस्त भी और उनके घर का बंदोबस्त, राशन का भी, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब आओ बेटा आ जाए। ये हमारा खसूसी दोस्त लाया है अपनी अम्मा या अब्बा का। मैंने देख के अम्मा और अब्बा का एक निकालना था, दो निकाल, एक निकालना है, एक वापस रख दो, एक वापस रख दो। चलो शाबाश जनाब अली। दिल पसंद की बाइक है जी कार साहब जी। दिल पसंद की बाइक लकी ड्रॉ के जरिए सबके हाथ में है कूपन्स वाउचर्स। नंबर है 04 4 0 3 0 44 03। अकबर हुसैन साहब कहां है भाई? अकबर हुसैन आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। बहुत सारी तालियां और मुबारकबाद अकबर हुसैन के लिए, छलांग मारकर आ जाओ। दिल पसंद की बाइक अकबर हुसैन साहब की, क्या हाल है अकबर भाई? ठीक ठाक है आप? आइए मुबारकबाद। आइए अकबर भाई, आप बाइक चलाते हैं? चलाते हैं भाई जी। पर आपके पास बाइक है जी? है, है। तो इस बाइक का क्या करेंगे? इस बाइक को भी चलाएंगे, बाइक को देंगे। भाई को भी दे देंगे? भाई के पास बाइक नहीं है अभी? नहीं बाइक नहीं। आपके भाई को आप बता दीजिए कि आप बाइक जीत गए और आप बाइक लेकर आ रहे हैं। कहाँ बैठे हुए? हाथ खड़ा करें भाई। वाह वाह, तो भाई को मुबारकबाद यहीं से बैठे हुए दे दीजिए। ये दिल पसंद की बाइक आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारी तालियां, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप इनको छोड़ा ही, इसने घर का रास्ता नहीं देखा अपने। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह दुआ होगी और दुआ के बाद अजान मगरिब इंशाल्लाह। सदका अता कर तू शान करीमी का, सदका दिखा दे इलाही रहीमी का, सदका न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूं मैं तुझसे दुआ मांगता हूं, करम मांगता हूं, अता मांगता हूं, इलाही तुझसे दुआ मांगता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व सहाबीही अजमईन इला यौमिद्दीन। इलाहुल आलमीन, हम सारे आपके बंदे हैं, आप हमारे रब हैं, आपने हमें तख्लीक फरमाया, हम आपकी बरगाही अलूहियत में अपने हाथों को कासा बना कर फैला कर सवाल कर रहे हैं आपकी रहमत का, आपकी इनायत का, आपके फजल का। और ये लम्हात कबूलियत के लम्हात हैं, आप इन लम्हात में हमारे इन खाली कासों को अपनी रहमत से माला माल फरमा दें। आमीन, आमीन। हमारे जुनूब, हमारे उजूब अपने महबूब पाक के सदके में उन पर पर्दा डाल दें। आमीन। हमारे गुनाहों को असनात के साथ तब्दील फरमाएं। आमीन। आप ही जुल्मत को नूर से तब्दील करने वाले हैं, आप ही पस्ती को बुलंदी से बदलने वाले हैं, आप दुख को सुख से, परेशानी को राहत से तब्दील करने की कुदरत रखते हैं। ऐ सारी कायनात के पालनहार, हमारे दुखों को सुख से तब्दील फरमा,
हमारी पस्तियों को बुलंदी से तब्दील फरमा, हमारी जिल्लत को इज्जत से तब्दील फरमा, और हमारे दिलों में छुपे हुए अरमानों और जस्तजुओं को कि जिनका पूरा होना हमारे हक में बेहतर है उन्हें पूरा फरमा दे। इलाहा आलमीन, हम हमारे अजसाम में और हमारी अरवाह में जो पोशीदा अमराज हैं उन्हें शिफा से तब्दील फरमा दीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ततब्बो, आपकी फरमा बरदारी और आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा दें। इलाहा आलमीन, हम सबको शर्रे शैतान, शर्रे इंसान, जालमों की जुल्म, आसदों की हसद, बखीलों की बखीली, कीना परवरों की कीना परवरी से अपनी पनाह अता फरमा और पूरे आलम इस्लाम पर अपना फजल फरमा। हम सब की दुआओं को अपनी बरगाह आलिया में मुस्तजाब फरमा और बिलखसूस इस ARY डिजिटल और तमाम ARY की पूरी टीम पर अपनी मेहरबानी और अपना फजल फरमा। फसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर रहीम। कराची और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है, दीगर शहरों के अफराद अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। रोज़ा इफ्तार करने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका मंतु व अलैका तवक्कलतु وعلى رزقك افطرت। اے اللہ, میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا, تجھی پر ایمان لایا, تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ اللہ اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.